दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे खुशवंत सिंह की एक कमाल की शॉर्ट स्टोरी कर्म, कर्मा या फिर कर्म। 1989 में इसको पब्लिश करवाया गया था। दोस्तों ये शॉर्ट स्टोरी खुशवंत सिंह ने लिखी थी एरोगेंट लोगों के लिए जिनको अपना कंट्री का कल्चर पसंद नहीं है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की शॉर्ट स्टोरी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इससे पहले हम लोगों ने ट्रेन टू पाकिस्तान भी पढ़ी है, खुशवंत सिंह की और भी शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ी है, तो हम सबको पता है कि खुशवंत सिंह किस टाइप की शॉर्ट स्टोरी लिखा करते थे। शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है मोहनलाल नाम के एक आदमी से। इनको मोहनलाल बोलना सही नहीं रहेगा, सर मोहनलाल जी। ये खुद को रेलवे स्टेशन की फर्स्ट क्लास की एक वेटिंग रूम के मिरर में देख रहे हैं। वो मिरर ऑब्वियसली इंडिया में बना हुआ है, मतलब उस शीशे के पीछे रेड ऑक्साइड जो कि इंडिया की बहुत सी जगहों से आता था वो लगा हुआ था। शीशे में लंबी लंबी लाइनें थी, वो शीशा सरफेस से कटा हुआ था। तो मोहनलाल जी ने उस शीशे को देखकर मुस्कुराया बहुत ही अभिमान से और शीशे की तरफ तरस खाकर कहा कि तुम भी इस देश की बाकी चीज़ों की तरह हो, इनएफिशिएंट, गंदे, इनडिफरेंट से। ऐसा वो मन में बड़बड़ाए। तो बदले में सामने से वो शीशा भी मोहनलाल की तरफ देखकर मुस्कुराया कि तुम तो बहुत अच्छे हो ना बुड्ढे, डिस्टिंग्विश्ड, एफिशिएंट, इवन हैंडसम। कितनी सफाई से तुमने अपनी मूंछों को ट्रिम किया है, कितना अच्छा सूट पहना है, बटन होल में वो गहरा लाल रंग, मीठी मीठी खुशबू आ रही है, टेलकम का पाउडर खुशबू वाले साबुन से नहा कर आया है। हाँ बुड्ढे तुम तो बहुत अच्छे हो। मोहनलाल ने अपनी छाती बाहर निकाली, बैलियों की टाई को सेट किया और हाथ हिलाकर उस शीशे को गुड बाय कहकर बाहर निकल आए। अपनी घड़ी पर उन्होंने निगाह डाली, अभी तो टाइम था, एक छोटा सा लगा लेता हूँ। वो चिल्लाकर बोले, कोई है? फिर एक आदमी वाइट ड्रेस पहनकर आया जाली वाले गेट से। एक छोटा, बोलकर सर मोहनलाल ने ऑर्डर दिया और बड़ी सी चेयर पर बैठकर पीने लगे। वेटिंग रूम के बाहर मोहनलाल जी का सामान दीवार से लगा हुआ पड़ा था। उस सामान में एक छोटी सी ग्रे कलर की स्टील की पेटी थी जिस पर उनकी वाइफ लेडी मोहनलाल बैठी थी। हाथ में उनके कोई पत्ता था जिसको वो चबा रही थी, न्यूज़पेपर को खुद से हवा कर रही थी दूसरे हाथ से, एक हाथ से वो पत्ता चबा रही थी। हाइट में वो छोटी सी थी, फैट थी और अभी कोई 40-45 साल उम्र रही होगी उनकी। गंदी सी साड़ी पहन रखी थी जिस पर रेड बॉर्डर था, आँख का एक साइड छिदा हुआ था और उस साइड उन्होंने एक डायमंड की नोज़ रिंग पहन रखी थी और बहुत सारी सोने की चूड़ियाँ पहन रखी थी हाथों में। वो किसी आदमी से बात कर रही थी। उस आदमी के जाने के बाद वो एक कुली से बात करने लगी कि ये जनाना कहाँ रुकेगी। प्लेटफॉर्म के एंड में उस कुली ने अपनी पगड़ी को सीधा किया, अपने पगड़ी का तकिया बनाया और स्टील की पेटी को ऊपर सर पर उठाया और चलने लगा। लेडी लाल ने भी अपना पीतल का टिफिन उठाया और उस कुली के साथ साथ धीरे धीरे चलने लगी। रास्ते में लेडी लाल ने स्टॉल से कुछ लिया और उसके बाद वापस कुली के पीछे पीछे चलने लगी। स्टेशन की एंड में पहुंचने के बाद कुली ने वो सामान नीचे रख दिया, स्टील की पेटी को, और एक बार फिर से वहाँ पर लेडी लाल उस पेटी पर बैठ गई और उस कुली से फिर से बात करने लगी। इस लाइन पे भी ट्रेनें भरी हुई होती है क्या भैया जी? इन दिनों तो आपको सारी ट्रेनें भरी हुई मिलेंगी, लेकिन आपको जनाना में जगह मिल जाएगी। सर लेडी लाल ने अपने पीतल का टिफिन खोला, मुड़ी हुई चपातियों का एक बंडल बाहर निकाला, उन्हीं के अंदर कैरी का अचार था, उसे वो खाने लगी और कुली उसके अपोजिट साइड बैठ गया अपनी जांघों पर और उंगलियों से बजरी में लाइन बनाने लगा। आप अकेली सफ़र कर रही हैं दीदी? नहीं, मेरे पति मेरे साथ में है भैया, वो वेटिंग रूम में है, फर्स्ट क्लास में जाएंगे। वो एक वज़ीर हैं, एक बैरिस्टर हैं, तो बहुत सारे ऑफिसर्स और इंग्लिश मैन साथ में जाएंगे वो लोग। मैं तो यहाँ की रहने वाली, मुझे तो अंग्रेज़ी आती जाती नहीं, उनके तौर तरीके भी नहीं आते, तो मैं तो इंटर क्लास में जाऊँगी। बहुत खुशी से उस कुली से बातें करने लगी। उसको बातें करना बहुत पसंद था क्योंकि इसके घर पर इससे बात करने वाला कोई नहीं था। इसके हस्बैंड के पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि इससे बातें करने में उसको खर्च करे। इसके घर के ऊपर वाले फ्लोर पर तो ये रहती थी, नीचे वाले फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर इसका हस्बैंड, क्योंकि उसको पसंद नहीं है कि इसके सड़क छाप रिलेटिव्स उसके बंगलों में आए, और वो आते भी नहीं थे, इसके रिलेटिव्स आते भी नहीं थे इसके हस्बैंड के घर में। और वो रात को कुछ मिनटों के लिए इसके पास आता था ऊपर, जो ऑर्डर करना होता था वो ऑर्डर कर देता था, और इनका ये रिलेशन जो था ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं था। अब सिग्नल नीचे आ गया, बैल बजने लगी, अनाउंस हो गया कि ट्रेन आ रही है। लेडी लाल ने फटाफट जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश किया
वो उठी, अचार की गुटली अभी भी चाट रही थी वो, और एक लंबी सी लाउड डकार ली। फिर पब्लिक टैप के पास जाकर कुल्ला किया, हाथ धोए। हाथ धोने के बाद अपनी साड़ी की लूज एंड उसने उठाई, हाथ पहुँचे, मुंह पहुँचा, और अपनी स्टील की पेटी के पास आकर वापस डकार लेती हुई बोली, थैंक गॉड खाना तो खा लिया। अब ट्रेन आई, इंटर क्लास पूरी खाली थी, इसका डिब्बा ट्रेन की बिल्कुल एंड में था और बाकी की ट्रेन एकदम पैक्ड थी। अंदर जाते ही इसको विंडो वाली सीट मिल गई और इसने अपनी साड़ी की गांठ में से दो आने निकाल कर कुली को दिए और रवाना किया। पान बनाने वाला सामान निकाल कर अपने मुंह में ठूस ठूस कर पान भर लिए और अपने चिन को खिड़की पर रख कर अपने हाथों पर खिड़की से प्लेटफॉर्म पर आते जाते लोगों को देखने लगी। वहाँ दूसरी तरफ इनके हस्बैंड मोहनलाल जी को कोई चिंता नहीं है कि ट्रेन आ गई है। वो एकदम शांति से अपना स्कॉच की सिप लिए जा रहे थे। इसके बाद उन्होंने ऑर्डर देकर फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में अपना सामान पहुंचा दिया। जल्दबाजी, एक्साइटमेंट, बसल, हड़बड़ाहट, ये चीज़ें आपका स्टैंडर्ड दिखाती है। सर मोहनलाल जी को पता था उनका स्टैंडर्ड क्या है, वो अपना हर काम ऑर्डर देकर करवाते थे। भाई थोड़े पैसे लग जाएं, अपना स्टैंडर्ड तो बचा रहेगा कम से कम। ट्रेन कहीं भागी नहीं जा रही, 5 साल अब्रॉड में रहकर यही मैनर्स सीखे हैं मोहनलाल जी ने, अपर क्लास एटीट्यूड को सीखा है उन्होंने। वो रेयरली हिंदुस्तानी लैंग्वेज बोलते थे और जब भी बोलते थे एक इंग्लिश आदमी की तरह बोलते थे कुछ ज़रूरी वर्ड्स। वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते थे बुक्स, पॉलिटिक्स और लोगों पर इंग्लिश में बात करने की। जिस तरह से ये बोलते थे अंग्रेज़ी, तो अंग्रेज़ भी बोलते थे कि आप तो एक इंग्लिश मैन की तरह बोलते हो। मोहनलाल जी को यहाँ पर अंग्रेज़ी में बात करने के लिए चाहिए था कोई ना कोई, इस ट्रेन में बैठे बैठे भी तो कुछ इंग्लिश ऑफिसर्स भी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो उनको खुशी हुई कि एक अच्छी कन्वर्सेशन हो जाएगी रास्ते में। अब अंग्रेज़ों से बात करने की ज़्यादा जल्दबाजी ये नहीं दिखाते थे जैसे बाकी इंडियंस करते हैं, ये बहुत ही लाउड या एग्रेसिव मैनर में किसी से बात नहीं करते थे, एकदम सलीके से बात करते थे। ऐसे नहीं दिखाते थे कि हम मरे जा रहे हैं तुमसे बात करने के लिए। इनके हाथ में द टाइम्स न्यूज़पेपर की एक कॉपी थी जिसको इन्होंने खिड़की से बाहर निकाल रखा था। इस द टाइम्स न्यूज़पेपर की एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं, ये उस टाइम पर बहुत ही अट्रैक्ट करता था, लोगों की अटेंशन को खींचता था ये न्यूज़पेपर। इन्होंने अपने पास उस न्यूज़पेपर को ऐसे रख दिया जैसे इन्होंने उस न्यूज़पेपर को पढ़ लिया है और कोई और चाहे तो पढ़ सकता है। शायद इन अंग्रेज़ों में से कोई इनकी टाई पर नज़र डाले जो हमेशा ट्रैवलिंग के टाइम पर ये पहनते थे। अगर ये दोनों पैतरे भी इनके ना चले, फेल हो गए, तो अटेंशन लेने के लिए मोहनलाल जी के पास तीसरा तरीका भी था। इनके हाथ में एक गोल्डन केस थी जिनमें इंग्लिश सिगरेट्स भरी हुई थी। क्या बात है, इंडिया में इंग्लिश सिगरेट्स, 5 साल की ग्लोरियस इंग्लैंड की लाइफ और यहाँ 45 साल की इंडिया की डर्टी लाइफ, कोई बराबरी नहीं है। तभी एक आदमी आकर साहब का बैग अंदर फर्स्ट क्लास में रखने आया। मोहनलाल जी गए अपने खाली कंपार्टमेंट में, टाइम्स अखबार को फिर से पढ़ने लगे जिसको उन्होंने कई बार पहले पढ़ लिया था, और फिर इन्होंने खिड़की से देखा कि दो इंग्लिश सिपाही कंपार्टमेंट्स को चेक कर रहे थे। उनके पास बैग भी थे, उनके खाने पीने की चीज़ें थी उनकी पीठ पर, तो सर मोहनलाल जी ने उनको वेलकम करने की सोची। अब ये सेकंड क्लास के ट्रैवलर्स थे लेकिन ये गार्ड से बात कर लेंगे। उनमें से एक सिपाही आया और खिड़की में से फेस निकाल कर चिल्ला कर दूसरे को बुलाया, बिल, और वो भी अंदर आ गया। फिर इन दोनों ने मोहनलाल जी को देखा, बिल बोला कि इस निगर को बाहर निकालो, मतलब ये निगरो, इस काले आदमी को बाहर निकालो। ऐसे वो अपने दोस्त से बात करने लगा धीरे धीरे। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर मोहनलाल से बोला, ये बिल बोला, रिजर्व्ड हाँ, आर्मी, फौजी, फौजी, अपनी शर्ट को दिखाकर वो बोल रहा था, खाकी शर्ट को दिखाकर, बाहर जाओ, गेट आउट। मोहनलाल प्रोटेस्ट करने लगे, वो इंग्लिश में प्रोटेस्ट करने लगे, लेकिन उनको पता था ये इंडियन है, उन अंग्रेज़ों को पता चल गया था। फिर इंजन की आवाज़ आई, ट्रेन चलने वाली थी, उन लोगों ने मोहनलाल जी का सूटकेस उठाकर प्लेटफॉर्म के बाहर फेंक दी, फिर उनका थर्मस और उनका टाइम्स अखबार भी। मोहनलाल जी चिल्लाकर बोले, आई विल हैव यू अरेस्टेड, गार्ड्स, गार्ड्स, अपना मुंह बंद रखो, उन्होंने उनके मुंह को दबोचते हुए बोला। इंजन से दूसरी आवाज़ आई, ट्रेन चलने वाली थी, और उन्होंने मोहनलाल जी को आर्म्स से पकड़कर, उनके हाथों से पकड़कर ट्रेन के बाहर फेंक दिया।
उनके सूटकेस के पास जाकर वो गिरे और उनकी आंखों के सामने धीरे धीरे ट्रेन निकल गई। और इंटर क्लास के कंपार्टमेंट में उनकी छोटी सी मोटी सी बीवी, जिसका मुंह पान से भरा हुआ था और थूकने वाली थी, ट्रेन धीरे धीरे करके चली गई। और आगे जाकर लेडी लाल ने अपने लाल पान को थूका, जो कि जाकर मिट्टी में गिरा। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हुई।